ये शायद पहली ऐसी बॉलीवुड की मूवी है जिसमें खुल्लम खुल्ला बोल्ड से भरी हुई है, मतलब इसमें कोई शर्म वरम नहीं है। जैसे हॉलीवुड वाले नहीं होते कुछ भी बनाए थे, वैसे ही बॉलीवुड की मूवी बनाई गई बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज देती है हमारी सोसाइटी को और काफ़ी बोल्ड सीन से भरी हुई। मैंने पहली ऐसी बॉलीवुड की मूवी देखी है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी और मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। एक आदमी होता है जिसका नाम होता है कांतिलाल, उनकी एक बेटी है, एक बेटा है विवेक, उनकी वाइफ है इंदुवती और उनकी लाइफ मतलब ठीक ठाक है। वो उनके पास एक शिव मंदिर के सामने दुकान है, उनका घर अच्छा चल रहा था। एक दिन उनको फ़ोन आता है कि उनका बेटा अस्पताल में एडमिट है, तो वो भागते हुए जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि मैंने लेडीज़ से बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात करनी थी। वो बताते हैं कि आपके बेटे विवेक ने कुछ सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियाँ खा ली और इतनी बार मास्टरबेट किया है कि वो बेहोश हो चुका है। तो ये सुन के कांतिलाल को शौक लगता है कि मतलब मेरे बेटे ने इतनी बार हिला दी कि वो बेहोश ही हो गया। तो वो दुखी होता है विवेक का, सबको पता चलता है विवेक वाले को कि इसलिए जो है मास्टरबेट करता है और सब वो बहुत शर्मा रहा होता है विवेक। अब इसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कांतिलाल को पता चलता है, वो उसके दोस्त से मिलते हैं, बताते हैं कि विवेक लड़के को पसंद करता था लेकिन राहुल ने उसे बताया कि तुम्हारा जो है साइज छोटा है तो लड़की ने पसंद नहीं करेगी। तो जो है विवेक बहुत डिप्रेस नहीं लगता है, वो बहुत टेंशन नहीं लगता है कि मेरे साइज में दिक्कत है। वो नापता वापता है और कोई डॉक्टर के पास जाता है, पहले वो जाता है तेल वाले बाबा के पास, वो तेल देते हैं, उसे कहते हैं पियोगे बेटा ठीक हो जाएगा। तो वो विवेक उसको पिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको टेस्ट करते हैं, कहते हैं बेटा हाँ तुम्हें कुछ कमी है। विवेक जो है इस बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो एक केमिस्ट वाले के पास जाते हैं, एक ऐड देख के जहाँ पर दवाई देता है, बोलता है कि बेटा ये पियोगे लंबा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है और विवेक जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। फिर जो है विवेक जो है मास्टरबेट करता था दवाइयाँ खा के लगे, और तो एक दिन वो मास्टरबेट कर रहा था, वो स्कूल में मास्टरबेट करता है और कोई उसकी वीडियो बना के वायरल कर देता है और ये हर जगह बात फैल जाती है। तो स्कूल वाले उसे बुलाते हैं, कहते हैं बेटा तुम रस्टिकेट हो गए हो क्योंकि आपके लड़के ने बहुत ही अश्लील हरकत की है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा स्कूल से निकल चुका है, वो काफ़ी परेशान हुए लगते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो कांतिलाल की पूजा कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर अक्षय कुमार जी आते हैं जो शिव बने हुए हैं इस मूवी के अंदर, और वो उन पर कुछ पानी फेंक के चले जाते हैं। फिर कांतिलाल को फोन आता है, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, बोलते हैं कि विवेक आया था हमारे घर पर चाकू वाकू लेके, उन्हें अटैम्प्ट टू मर्डर की ट्राई करी है मेरे ऊपर, हमने उसे पकड़ लिया और उस पर अटैम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा देंगे। इतनी बदनामी होने के बाद वो समझ गए थे कि हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, इस वजह से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब जो है कांतिलाल का बेटा विवेक जो है जहर पी लेता है, लेकिन वो जो है जहर जो है शिव जी पी लेते हैं, मतलब शिव कुमार जी पी लेते हैं और विवेक को कुछ नहीं होता है। फिर जो है विवेक जो है वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें जो है इस बात के लिए पॉइंट उठाना चाहिए, तुम्हें अवार्ड उठानी चाहिए, तुम्हें केस करना चाहिए। फिर वो देखते हैं कि विवेक जो है सुसाइड कर रहा है, लेकिन फिर से वो उसको बचा लेते हैं। तो फिर कांतिलाल सोचता है कि मुझे जो है इसको केस करना चाहिए और मुझे इस बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो वो वही तेल वाले केमिस्ट वाले डॉक्टर को नोटिस भेज देता है कि इस कोर्ट की तारीख को आ जाना, मैं लड़ने वाला हूँ। तो कांतिलाल के जो है लॉयर्स काफ़ी ढीढ़ाले होते हैं और जो स्कूल की डिफेंडेंट होती है कामिनी, वो बहुत ही होशियार होती है, वो कांतिलाल के लॉयर्स को एक ही दिन में आउट कर देती है। और कांतिलाल सोचता है कि ये केस में कैसे जीत सकता हूँ, लेकिन कांतिलाल को जो है शिव भरोसा देते हैं। तो वो घर पर आते हैं, वो देखते हैं कि उनके पास जो है सेक्स एजुकेशन की बहुत सारी किताबें उनके घर में पड़ी हुई है, वो उसको पढ़ते हैं, अच्छे से नॉलेज देते हैं, वो अपना केस जो है खुद ही लड़ने के लिए बात करते हैं। वो स्कूल में वो कोर्ट में आके बताते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब चैप्टर्स बने हुए हैं लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता है, हकीकत पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन कामिनी जी बोलती है कि मतलब ऐसे कैसे, तो वो जो है कामिनी की जो है उनके बेटे को बुलाती है, कहते जो तुमने किया था वो कितनी शर्मनाक हरकत थी, और विवेक बहुत शर्माता है, वहाँ से भाग जाता है। फिर कामिनी बोलती है कि मैं अगली तारीख को तुम्हारी बेटी और वाइफ को बुलाऊंगी। तो वो कामिनी जो है लेकिन शिव जी को भरोसा देते हैं कांतिलाल को, नहीं सब सही होगा। इसके बाद कामिनी उसकी वीडियो को दिखाती है उसी की बहन को, लेकिन उसकी बहन हिंदी में तबाहन जवाब देती है, कामिनी चुप हो जाती है। फिर वो उनसे उनकी वाइफ से फर्स्ट स्टैंड के बारे में पूछती है, लेकिन वो इतना हंसती हैं वो उसको भी चुप कराई, मतलब कामिनी धीरे धीरे करके ढीली पड़ने लगी थी क्योंकि अब उसका केस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। फिर वो एक प्रोसिक्यूट को बुलाते हैं, प्रोसिक्यूट से जो है कांतिलाल शर्मन के बारे में सवाल नहीं करता है, लेकिन शिव जी उसे दिलासा देते हैं कि तुम्हें सवाल करना चाहिए। फिर वो प्रोसिक्यूट से सारी दिल की बातें झील देते हैं वहाँ के कोर्ट वालों का, और प्रोसिक्यूट का सलाम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि तुम इतनी मेहनत करके मेरे बच्चे को पाल रही हो तो दिल से रिस्पेक्ट है। और धीरे धीरे करके जो है हर कोई उस केस में फंसने लगा था, जैसे कि तेल वाला आया, जिन्हें उसे तेल दिया था, तेल चेक करते हैं, तेल बिल्कुल मामूली था, बिल्कुल नकली था, मतलब फ्रॉड था। इसके बाद वो डॉक्टर जी जिनकी जो मशीन थी वो टेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से विवेक बहुत डिप्रेस हो गया था, उसमें 8-9 लड़कों का जो 10 फीट के थे उनका टेस्ट किया, वो मशीन जो है नेगेटिव भी दिखाती है। इसका मतलब ये जो है मशीन भी नकली थी, ख़राब थी, ये भी फर्जी था। फिर वो केमिस्ट वाला आया, केमिस्ट वाले को बताया वो कांतिलाल ने कि तुमने तो पढ़ाई कर रखी, तुम्हें तो पता होगा कि साइज बढ़ता है नहीं बढ़ता। तो वो साफ साफ कहता है कि भाई इन सब चीज़ों से साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, इसका मतलब ये सब फर्जी थे, जिसकी वजह से विवेक की जिंदगी खराब हो गई थी। फिर इसके बाद इन तीनों को बात नहीं चलती है। फिर उनको विवेक को फिर से मिलते हैं, शिव उनको कुछ अखबार देते जिसमें कुछ उल्टी सीधी साइज के जोश लिखे हुए थे, वो उन्हें पढ़ते हैं। फिर वो उन्हें वो भरी कोर्ट में पढ़ते हैं, वो डायग्राम वाइग्राम से सब कुछ समझाते हैं ऐसा ऐसा होता है, और वो कुछ ऑथरों के बुक्स भी दिखाते हैं सेक्स एजुकेशन के लिए। वो बोलते हैं कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। धीरे धीरे करके इनकी बात जो है उठने लगी थी और हर तरफ जो है फेमस होने लगे थे। और कामिनी जी का जो है कामिनी जी ने बोलते हैं कि मतलब ऐसे कैसे हम सेक्स एजुकेशन मतलब सारे आम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर कोई ट्विटर पर जगह ट्रेंड हो रहा होता कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट का ऑर्डर
आता है कांतिलाल जी के पास, वो बोलते हैं कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें अलग अलग स्टेट से तुम पे केस हो गए, तुम्हें इस तारीख को दूसरे कोर्ट जाना होगा, अपने ऊपर तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है। फिर इसके बाद कोर्ट जो है उनको 1 करोड़ रुपये ऑफर करता है कि केस वापस ले लो और चलते बना, तो वो जो है 1 करोड़ पर साइन कर देते हैं। लेकिन जब वो घर जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो शिव जी के पास होते हैं, मतलब वो मर चुके होते हैं। लेकिन शिव बोलते हैं कि नहीं तुम मरे नहीं, तुम जिंदा हो। शिव उनका अच्छी रूप दिखाते हैं अपना, वो जिंदा होते हैं। वो डॉक्टर बोलते हैं तुम मर गए थे, वो बोलते हैं नहीं मैं जिंदा नहीं हूँ। इसके बाद वो कोर्ट की आखिरी तारीख पाते हैं, वो केस लड़ते हैं और फिर फाइनली विवेक को बुलाते हैं। विवेक शर्मा रहा होता है, लेकिन उसके पापा बोलते हैं निवेदन शर्मा सब बताओ क्या चाहते हो, तो बोलता है कि मैंने जो किया वो सही है लेकिन जिस जगह मैंने किया वो गलत है। इसके बाद से जो है हर कोई विवेक को सपोर्ट करने लगा था। फिर कोर्ट के जो जज हैं वो कांतिलाल को केस जिता देते हैं और फिर शिव को जो है फैमिली से मिलवाया जाता है, लेकिन वो शिव अपने असली रूप में नहीं होता है। फिर इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।